हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग को बताऊंगा एनसीबी क्या होती है, एनसीबी कैसे काम करती है। ये अपनी एनसीबी है, हम पहले तो उसका फुल फॉर्म जानते हैं, मिनी सर्किट ब्रेकर। एनसीबी एक सर्किट ब्रेकर होती है। सर्किट ब्रेकर काम ये होता है कि कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट हो तो सर्किट ब्रेकर अपने आप ट्रिप होकर सप्लाई को रोक देती है। ट्रिप का मतलब कोई प्रॉब्लम यानी फॉल्ट होने पर ऑटोमेटिक सप्लाई बंद होना ट्रिप कहलाता है। ये अपने पूछा अब एमसीबी कब ट्रिप होती है, कब ट्रिप होती है। एमसीबी सर्किट ब्रेकर कई तरह के आते हैं। सभी सर्किट ब्रेकर अलग अलग सेफ्टी देते हैं, मतलब सभी अलग अलग फॉल्ट होने पर खुद ट्रिप होकर हमें और हमारे उपकरण को प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कई टाइप के फॉल्ट होते हैं। अब बात करते हैं एमसीबी हमें कौन से प्रोटेक्शन देती है। प्रोटेक्शन देती है एमसीबी हमें दो फॉल्ट होने पर प्रोटेक्शन देती है। एमसीबी हमें दो देती है। नंबर एक ओवरलोड फॉल्ट, नंबर दो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों फॉल्ट में वायर से करंट ज़्यादा बहने लगता है, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ओवरलोड फॉल्ट में करंट की मात्रा थोड़ी बढ़ती है, जबकि शॉर्ट सर्किट में फॉल्ट में करंट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्लो करता है। ओवरलोड फॉल्ट तब होता है जब लोड बढ़ जाता है, जैसे कोई मोटर में ओवरलोड फॉल्ट तब आएगा जब मोटर कम जाम चल रही होगी, या फिर अगर हमने उसमें उस मोटर पर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड को जोड़ दिया होगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट सर्किट की बात करें तो ये फॉल्ट तब आता है जब शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे दो फेज वायर का आपस में भिड़ जाना, फेज वायर और न्यूट्रल वायर आपस में भिड़ जाए। ये अपना कहिए अभी एमसीबी कितने एम्पीयर रेटिंग की आती है, सीपी कितने एम्पीयर रेटिंग की आती है। एक एम्पीयर ये 16 32 ये एम्पीयर होता है, 32 एम्पीयर की एमसीबी है मेरे पास और ये 16 एम्पीयर की। एक एम्पीयर, दो एम्पीयर, तीन, चार, छः, 10 एम्पीयर, 13 एम्पीयर, 16 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, 25 एम्पीयर, 32 एम्पीयर, 40 एम्पीयर। नंबर एक, एक पोल की एमसीबी सिंगल पोल की एमसीबी है। इसमें यहाँ से लोड लाइन जोड़ते हैं, इधर से लोड जोड़ता अपना सर्किट का उसको जोड़ते हैं, सिंगल पोल है। और उसके बाद आती है अपनी टू पोल की एमसीबी है अपने पास। इसमें दो बने रहते हैं, न्यूट्रल होते हैं, फिर होते हैं लाइन लोड, इसका सेम बोल है। इस तरीके से एमसीबी मानों को देखना, न्यूट्रल का फेस का टू पोल एमसीबी है जिसमें सेम बोल है इसका, इसमें लिखा भी है। यह लाइन जोड़ते हैं अपन, ये लाइन लिखा हुआ और ये लोड लिखा हुआ, इधर से लाइन जोड़ेंगे, इधर से लोड जोड़ेंगे, ये टू पोल अपने क्लियर हुए। अब आता है तीन पोल की एमसीबी जिसमें तीन फेज जोड़ते हैं, न्यूट्रल लाइन जोड़ देते हैं, थ्री पोल एमसीबी होती है। फोर पोल एमसीबी अपने पास, एक दो तीन चार, इसमें न्यूट्रल जोड़ते हैं, थ्री फेज जोड़ देते हैं, इसमें लिखा भी है, इसमें भी सेम है लोड लाइन इधर जोड़ते हैं, लोड इधर जोड़ देते हैं। ये अपना क्लियर होगा एमसीबी के बारे में, आपको पूरा नॉलेज दे दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। एमसीबी के बारे में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।